पहले 9923 का बोर्ड है, पहले 9923H का मॉडल। ये अभी बोर्ड खोल के मेरे पास दिया गया है, काफी गंदा है। ये बोर्ड नो पावर ऑन केस में आया है, ये देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, कुछ चेक करेंगे। आरटीसी की सप्लाई जो है 3.04 दिखा रहा है। सबसे पहले जो ड्रेसिंग होता है वोल्टेज, इससे अपने प्रॉब्लम की फॉल्ट पता चलती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आरटीसी को चेक कर लेते हैं। वोल्टेज है हमारा कितना था, 3.09। इसके लिए जो हमको पैर है यहाँ यहाँ पर जम्पर पैड है, जम्पर पैड को चेक कर लेते हैं। 2.75, एटलीस्ट 2.8 तक आना चाहिए, लेकिन 2.75 है। चलिए और भी चेक कर लेते हैं, क्या चेक कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारा कूल टेस्ट, जितने भी कॉइल्स हैं उसको चेक कर लेते हैं। 196 ठीक है, 172 ठीक है, 81 ठीक है, चार्जिंग की 561 ठीक है, यहाँ की 477 ठीक है, 428 ठीक है, पिन नंबर 8 463 ठीक है। इसके बाद ये फर्स्ट मोस्ट पेज की आउटपुट, सीएलआर की पोजीशन, सीएलआर कहाँ है, ये भी सीएलआर 359 यहाँ से ला है, ये बैटरी से ला है, ये से ला 59 11, यानी कि ये फर्स्ट मॉस्फेट, सेकेंड मॉस्फेट, फर्स्ट मॉस्फेट, सेकेंड मॉस्फेट, फर्स्ट मॉस्फेट की आउटपुट ना, सेकेंड मॉस्फेट की आउटपुट 11, इसके बाजू में यहाँ सी एल आर है, यहाँ ठीक है, ये बैटरी सी एल आर है, ये सी एल आर है 11, यानी कि इसकी कनेक्टिविटी इसके साथ है, ये है हमारा चार्जिंग सी एल आर, ये बैटरी सी एल आर है। बैटरी सी एल आर को यहाँ से भी 559, ये भी 559, यानी कि बैटरी की सी एल आर ये हो गई, और ये हो गई आपकी चार्जिंग की सी एल आर, ये हो गई, ये जो है 11 दिखा रहा है, 12। ये सेकेंड मॉस्फेट के आउटपुट 10 10 10 10, ओके। और तब मॉस्फेट चेक कर लेते हैं, मॉस्फेट चेक कर लेते हैं, मॉस्फेट दोनों तरफ से कोई शॉर्टिंग नहीं, ये भी सेकंड मॉस्फेट की कोई शॉर्टिंग नहीं, यानी कि सीएलआर ग्राउंड के साथ कनेक्टिविटी है, यानी कि कहीं ना कहीं ये लाइन शॉर्ट है।
अभी इसको तकरीबन 1 वोल्ट पे ले जाते हैं, 1 वोल्ट, और इसको लाइन देते हैं, इतना एम्पीयर लिया है, एटलीस्ट 1 एम्पीयर से ज़्यादा होना चाहिए। इसको और वोल्टेज इंक्रीज करते हैं, हाँ, और थोड़ा सा हीटिंग कंपोनेंट को चेक करेंगे। तो मोस्टली इसका 3-5 सेक्शन में ही शॉर्ट आता है। तो यहाँ पर हमें हीटिंग मिल रही है, मोस्टली यही आता है ज्यादातर। इस बोर्ड का कॉमन इशू है, मैं आपको यहाँ दिखा दे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कैपेसिटर है ये थोड़ा सा खराब दिख रहा है, ये जो कैपेसिटर ये ओके दिख रहा है, ये खराब थोड़ा सा बटर दिख रहा है, यही कैपेसिटर है इसका। खराब हो सकता है, तो पहले इसी को रिमूव करते हैं। यही खराब है, ठीक है, खराब। इसको खराब है, इसको आप हाँ जो ये दोनों कैपेसिटर थोड़ा लीकी टाइप का लग रहा था, तो ये दोनों कैपेसिटर को ही मैं चेंज करूँगा इसलिए अदर पोर्ट से। Thank you.
67, 69, 70, 73, 73. लगा दिया है, ठीक है, इसी जैक लगा दिया मैंने, जैक लगा दिया है, इसको हम ऑन करके ग्रेजुअली वोल्टेज को इंक्रीज कर देंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हमारा 21 और इसको हम क्या करेंगे, एक बार ऑन करेंगे मीटर को आ जाए।